भुवनेश्वर में राजभवन से राज्यपाल महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग के प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की। इस मौके पर प्रशासक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी, लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा दीदी, हरियाणा सिरसा की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु दीदी, वरिष्ठ राजयोगी बीके नाथमल भाई उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारी एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की ओर से चल रहे अभियान वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस के तहत विचार विमर्श करते हुए उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती हैं और अपनी निस्वार्थ सेवा से निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्था भारत को बहुत ऊंचे से ऊंचा ले जा सकती है। इसके अलावा संस्था के सदस्यों ने भी अभियान से जुड़ी जरूरी जानकारी दी। यह कार्यक्रम लगभग एक घंटे चला, जिसमें राज्यपाल ने ब्रह्मा कुमारी की विभिन्न गतिविधियों की जमकर तारीफ करते हुए अपनी खुशी जताई। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल ने ब्रह्मा कुमारी भुवनेश्वर यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी गीता दीदी को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। दरअसल नवंबर 2022 को भुवनेश्वर में एक 15 दिवसीय महाकुंभ मेला आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी अध्यात्म, विज्ञान और स्वास्थ्य। इस विषय को लेकर महाकुंभ में एक भव्य महारास का कार्यक्रम भी हुआ था, जिसमें हजारों भाई बहनों ने रास कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की पहल की थी। इस तरह का एशिया में यह पहला कार्यक्रम था, जिसके लिए अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से ब्रह्मा कुमारी यूनिट 9 भुवनेश्वर को प्रमाणित किया गया है। रिकॉर्ड के दौरान रास को वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित किया गया और बताया गया कि रास करने से व्यक्ति को खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। इसी कड़ी में राज्यपाल गणेशी लाल जी से बीके गीता दीदी, बीके अरुण कुमार और बीके बिंदु दीदी मिले और राज्यपाल ने यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी को सम्मानित किया। आपको बता दें, नवंबर में बीके सदस्यों ने इस महाकुंभ के संबंध में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें मेले में चल रही गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी दी थी और उन्हें वहां आने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन अब उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता पर खुशी जाहिर की है।